हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। राशन योजना के नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। योगी सरकार ने राशन के नियमों में किया है बड़ा परिवर्तन। गेहूं की पैदावारी कम हुई है और खरीदारी भी कम होने के कारण इस बार बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार के फ्री राशन के साथ योगी सरकार ने भी राशन में गेहूं की कटौती अब करने वाली है। बड़ी जानकारी इसमें है, आपको पूरा अपडेट देंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरा अपडेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राशन कार्ड सरकार से राशन के लिए नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अगले महीने से यह नियम लागू होने वाला है, तो बड़ा अपडेट है, इसमें आपको पता चल जाएगा। दरअसल आपको बता दें, अब गेहूं कम मिलेगा और चावल सरकार की तरफ से ज्यादा दिया जाएगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है और हर महीने आप सरकार से फ्री राशन लेते हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल सरकार की तरफ से राशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव को जून महीने से लागू किया जाएगा। ऐसे में सभी राशन कार्ड धारकों को इन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गेहूं की जगह चावल देने की तैयारी है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों में राशन कार्ड धारकों को फ्री गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। यह वितरण पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किया जाता है। अब इस योजना में गेहूं की जगह सिर्फ चावल दिया जाएगा। यानी आपको बता दें तो केंद्र सरकार वाले फ्री राशन में तो सिर्फ आपको चावल मिलने वाला है 5 किलो, और आपको गेहूं इसमें नहीं मिलेगा अगर आप केंद्र सरकार वाला राशन लेने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें 3 राज्यों में नियम लागू हो गया है गेहूं के लिए। तो मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से सितंबर तक जो भी राशन आपको मिलेगा वो गेहूं के कोटे को घटा दिया गया है। यूपी, बिहार और केरल में अब आपको बता दें तो सिर्फ चावल मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बता दें दिल्ली, गुजरात, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गेहूं के कोटे में कमी हुई है। यानी वहां पे आपको गेहूं कम दिया जाएगा लेकिन मिलेगा, और चावल भी साथ में मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश हुआ, केरल हुआ, बिहार हुआ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अब चावल दिया जाएगा। गेहूं की कम खरीद इसका कारण बना है। वहीं पर आपको हम एक प्रूफ और दिखा देते हैं। वहीं पे आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि यूपी में भी मुफ्त राशन वितरण व्यवस्था में बदलाव हो गया है। अब राशन कार्ड धारकों को चावल ज्यादा और गेहूं कम मिलेगा। ये आपको बता दें यूपी सरकार की तरफ से भी कर दिया गया है, केंद्र सरकार की तरफ के साथ साथ। अब आपको बता दें तो यूपी सरकार ने भी ये फैसला लिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के जरिए लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले गेहूं चावल के अनुपात में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश में NFSA के तहत जून 2022 से मार्च 2023 तक आपको, चाहे आप पात्र गृहस्थी के हो या फिर अंत्योदय कार्ड धारक हो, आपको प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा। वहीं पर अगर आप अंत्योदय कार्ड धारक हैं तो अब आपको 21 किलो चावल मिलेगा और 15 किलो गेहूं मिलेगा। यानी चावल बढ़ा दिया गया है, गेहूं घटा दिया गया है, और ये आपको 2023 तक नियम लागू किया गया है। यानी यूपी सरकार तो अगले वर्ष तक आपको ऐसे ही देगी, यानी चावल ज्यादा देगी और गेहूं कम देगी, और इस वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। फिलहाल आपको बता दें तो यूपी सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से ये नियम लागू किया गया है, जिससे अब गेहूं की संकट राशन कार्ड धारकों को आने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका क्या मानना है कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।